गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 द प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 द प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी यूज द सेम नाउन अगेन एंड अगेन, यदि हम एक ही नाउन को बार बार यूज करते हैं, इट लुक्स ऑड। ये कैसा दिखता है? ऑड दिखता है थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, बंस इज माई फ्रेंड, वंश इज माई फ्रेंड, वंश लिव्स नियर माई हाउस, वंश लिव्स नियर माई हाउस, वंश स्टडीज इन माई क्लास, वंश एंड आई गो टू स्कूल टूगेदर। मतलब वंश मेरा दोस्त है, वंश मेरे घर के पास रहता है, वंश मेरी कक्षा में पढ़ता है, वंश और मैं साथ में स्कूल जाते हैं। अब बार बार हम वंश बोल रहे हैं तो आप बताइए, सेंटेंस अच्छे लग रहे हैं क्या? या जो हमारी जो स्टोरी छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है वो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि जब हम एक ही नाउन को बार बार यूज करते हैं तो वो कैसी लगने लग जाती है? ऑड लगने लग जाती है। तो उसको अच्छा दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। इसीलिए डेफिनेशन क्या होती है प्रोनाउन की? अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन की स्थान पर, नाउन की जगह पर हम जो शब्द यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को हटाकर हम उस शब्द को यूज करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं। We use pronouns in place of nouns looks at the above example once again. We use pronouns, हम pronoun का उपयोग करते हैं in place of nouns, नाउ संज्ञा के स्थान पर या noun के स्थान पर। We use pronouns in place of nouns, हम प्रोनाउन के स्थान पर, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। लुक एट द एबव एग्जाम्पल, पहले वाले एग्जाम्पल को देखो। लुक एट द एबव एग्जाम्पल मतलब पहले वाला जो एग्जाम्पल है उसको देखिए। वंस अगेन दोबारा, तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखा है उसको अब हमें क्या करना है? दोबारा से देखना है। वंश इज माई फ्रेंड, He lives near my house. He studies in my class. He and I go to school together. He and I go to school together. चलिए तो क्या बोल रहे हैं? अब इन्होंने क्या किया? वंश के स्थान पर, वंश की जगह पर इन्होंने क्या लगा दिया? He लगा दिया। और वंश क्या था बताइए आप तो जानते हैं क्या है वंश? Noun है। अच्छा, मेरा एक सवाल और निकल के आया इसमें कि वंश कौन सी noun है, बताइए मुझे जरा। वंश कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, बताइए कौन सी नाउन है? जल्दी बोलिए, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि वंश एक नाम है। चलिए वेरी गुड। तो अब हमने क्या किया? वंश की जगह पर हमने क्या लगाया? ही लगा दिया। तो अब हमारा सेंटेंस पढ़ने में कैसा लगने लग गया? बेटर लगने लग गया। हमने यहां पर वंश को क्या कर दिया? वह कर दिया। वंश को हटाकर हमने क्या यूज किया? ही यूज किया। अब क्या हो गया? वंश मेरा दोस्त है, वह मेरे घर के पास रहता है, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह और मैं एक साथ स्कूल जाते हैं। अब बताइए, वंश 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 हम बोल रहे थे बार बार तो थोड़ा ऑड लग रहा था ना। अब हमने वंश की जगह पर क्या यूज कर दिया? ही यूज कर दिया। तो वंश क्या थी? नाउन। और वंश को हटाकर हमने क्या यूज किया? ही, प्रोनाउन। तो वंश को हटाकर हमने जो ही यूज किया तो क्या हो गई? नाउन को हटाकर हमने क्या यूज किया? प्रोनाउन यूज किया। समझ आया? चलिए, इन दिस एग्जाम्पल मतलब इस उदाहरण में क्या हुआ अब वो पढ़ते हैं। ही हैज बीन यूज इन प्लेस ऑफ वंश, हमने ही का उपयोग वंश की जगह पर किया। हमने ही का उपयोग किसकी जगह पर किया? वंश की जगह पर हमने ही का यूज किया। इन दिस एग्जाम्पल
he has been used in place of once on subsequent occasion to make the sentence look better. जब हमने इस उदाहरण में वंस के स्थान पर ही यूज किया, वंस के प्लेस पर ही यूज किया, तो बाद में ये सेंटेंस अच्छा दिखने लग गया, बेटर दिखने लग गया पहले वाले सेंटेंस से. तो जब हमने इसमें ही का यूज कर दिया तो इस सेंटेंस को पहले से बेटर बना दिया. तो क्योंकि हम बार बार एक ही चीज यूज कर रहे थे वंस वंस वंस, तो उसको हटाकर हमने यहाँ पर क्या लगाया, ही लगाया. और ही को लगाते ही जो हमारा सेंटेंस था वो बेटर दिखने लगा. चलिए अब हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन रीड करेंगे. चलिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो इसकी एक बार आपको फिर से दोबारा से समझा देती हूं. अ वर्ड विच इज यूज्ड, एक शब्द जो यूज किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पर. तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. चलिए डेफिनेशन लर्न हो गई होगी. चलिए अब मैं सुन के देखती हूँ सबको. तो बताइए, इसको हमने हाइड कर लिया, आप बताइए. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. एक बार फिर से बोलिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमको क्या करने हैं, ये सेंटेंसेस रीड करने हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस है, कोमल इज अ स्टूडेंट. कोमल ये लड़की है, ये क्या है, स्टूडेंट है एक. तो शी इज द कैप्टन ऑफ अवर बैडमिंटन टीम. शी इज द कैप्टन ऑफ अवर बैडमिंटन टीम, मतलब ये जो लड़की है कोमल, वो अपनी टीम की कैप्टन है, अपनी बैडमिंटन टीम की कैप्टन है, मतलब कप्तान है, अपनी टीम की कप्तान है. तो देखिए, कोमल नाउन है और इसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज की है वो कौन सी की है, शी. तो कोमल के लिए जो प्रोनाउन हमने यूज की है वो है शी. तो जो गर्ल्स होती हैं, फेमिनिन होते हैं, फेमिनिन जेंडर होता है, उसके लिए हम कौन सी प्रोनाउन यूज करते हैं, शी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. महक एंड सार्थक आर फ्रेंड्स. महक एंड सार्थक आर फ्रेंड्स. महक और सार्थक क्या है, दोस्त हैं. दे लिव इन दैट कॉलोनी. वे उस कॉलोनी में रहते हैं. तो ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि महक और सार्थक दोस्त हैं और वे उस कॉलोनी में रहते हैं. तो देखिए बच्चों, महक और सार्थक के लिए हमने कौन सी प्रोनाउन यूज की है, कौन सी प्रोनाउन यूज की है, बताइए. दे यूज किया है हमने, क्या यूज किया है, दे. तो महक और सार्थक, बताइए प्लूरल हुआ, दो लोग हैं मतलब प्लूरल है. तो प्लूरल जब भी आता है दो लोगों के बीच, दो से ज्यादा लोगों के बीच बात होती है, तो हम उनको हटाकर क्या लगाते हैं, दे यूज करते हैं. तो हमारी महक एंड सार्थक के लिए कौन सी प्रोनाउन यूज होगी, दे. कोमल के लिए हमने शी लगाया था, महक एंड सार्थक के लिए हमने क्या लगाया, दे लगाया. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं. दिस एनिमल हैज अ वेरी लॉन्ग नेक. क्या है, कौन सा एनिमल है, आपको पता है, जिराफ. दिस एनिमल हैज अ वेरी लॉन्ग नेक. तो ये बच्चे हैं वो कह रहे हैं इस जानवर के पास बहुत लंबी गर्दन है. क्या है, इस जानवर के पास बहुत लंबी गर्दन है, या इस जानवर की बहुत लंबी गर्दन है. Is it a giraffe? तो क्या यह जिराफ है, क्या यह एक जिराफ है, किसने क्वेश्चन पूछ लिया अब. This animal has a very long neck. Is it a giraffe? क्या यह जिराफ है, इस बच्चे ने इससे पूछ लिया. देखो कह रही है ना, कह रही है ना ये लड़की, ठीक, क्या यह जिराफ है. चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं हम. तो क्या है, We bought this book from the book fair.
वी बॉट दिस बुक, मैंने ये किताब खरीदी, हमने ये किताब खरीदी। फ्रॉम द बुक फेयर, किताबों के मेले से या किताब जहाँ पर किताब की प्रदर्शनी लगी हुई थी वहां से। इट इज अ स्टोरी बुक, यह कैसी किताब है, यह एक कहानी की किताब है। तो यहाँ पर देखिए वी, ये भी एक प्रोनाउन है, मतलब दो बच्चे हैं एक साथ, उन्होंने किताब खरीदी, या दो से ज्यादा लोग हैं तो वो बोल रहे हैं वी बॉट दिस बुक, हमने यह किताब खरीदी। अगर हम अकेले हैं तो हम नहीं बोल सकते, पर हम बहुत सारे हैं जैसे कि अभी मैं और आप सब, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम वी बॉट दिस बुक, हमने ये किताब खरीदी, हमने यह किताब खरीदी। फ्रॉम द बुक फेयर, कहाँ से, एक जहाँ पर बुक प्रदर्शनी थी वहां से। तो हमने बुक किताब किताबों के मेले से यह एक किताब खरीदी, बुक प्रदर्शनी, किताब जहाँ पर किताब की प्रदर्शनी लगी हुई थी, मतलब किताबों का मेला लगा हुआ था, वहां अधिकतर किताबें ही मिल रही थी। इट इज अ स्टोरी बुक, यह एक कहानियों की किताब है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें क्या है, इट, ये भी एक प्रोनाउन है जो किसके लिए लग रहा है, थिंग के लिए लग रहा है, किसके लिए लग रहा है, थिंग के लिए लग रहा है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि इज अ टॉल मैन, रवि इज अ टॉल मैन, रवि कैसा आदमी है, लंबा आदमी है। ही कैन रन वेरी फास्ट, और वह बहुत तेज दौड़ सकता है। तो यहां पर क्या है, रवि के लिए हमने क्या यूज किया है बताइए, ही, रवि के लिए हमने क्या यूज किया है, ही, बताइए क्यों किया है रवि के लिए हमने ही, क्योंकि वो मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन के लिए हम हमेशा ही यूज करते हैं, और फेमिनिन के लिए हम हमेशा शी यूज करते हैं, कब, सिंगुलर में, सिंगुलर में हमेशा मैस्कुलिन के लिए ही और फेमिनिन के लिए सी यूज होता है, पर जब दो लोग होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। तो बच्चों आपको प्रोनाउन समझ आई, अब हम कल आपको प्रोनाउन के टाइप्स बताएंगे, क्या बताएंगे, प्रोनाउन के टाइप्स। चलिए बाय बाय।